हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर कोचिंग क्लासेस में। माय सेल्फ अंकिता। आज के क्लास के डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है हमारा जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर पेपर नंबर 2 एनालिसिस। आज पेपर नंबर 2 का फर्स्ट एनालिसिस वीडियो हम लोग कर रहे हैं। दो पेपर में एग्जामिनेशन हुआ था इसका, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। पेपर 1 का डिस्कशन ऑलरेडी कंटिन्यू है जिसका 2 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज पेपर 2 के टोटल 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशंस भी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपके लिए। एक बेहतरीन नोट्स आप बना पाएंगे इन 20 क्वेश्चंस का, इनके एक्सप्लेनेशंस का। सो माय स्टूडेंट्स गेट रेडी, वी विल स्टार्ट आवर क्लास राइट नाउ। क्लास को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स मेंशन हैं, वन बाय वन यू विल गेट इन आवर कोर्स। नॉट ओनली दिस, आपको मिल जाता है हमारा कोर्स में मॉक टेस्ट भी, साथ ही हर एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, रिविजन मिलेगा, डाउट सेशंस मिलेगा। मीन्स ओवरऑल जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए नीडफुल चीज़ें हैं, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला है। सो माई फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, अभी सही समय है आपके प्रिपरेशन को सही रास्ता देने का, बूस्टअप करने का, बिकॉज वैकेंसीज आर ऑन इट्स वे। कभी भी वैकेंसी रिलीज हो सकती है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आप अपनी तैयारी में जो है वो लग जाइए। तो इसी अपडेट के साथ, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का हमारा 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस का जो सेशन है वो हम शुरू कर रहे हैं। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which enzyme present in saliva is responsible for breakdown and digestion of starch? Options are amylase, protease, glucose oxidase and carboxylase. So, क्या question आपसे पूछा जा रहा है? Which enzyme? That means the name of the enzyme is asking. इसका source दिया हुआ है आपको, एक तो है सोर्स जो कि है saliva और दूसरा इसका फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज़ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये है फंक्शन, मीन्स एंजाइम को पहचानने के लिए आपको दो क्लू दिए हुए हैं, एक उसका सोर्स और दूसरा उसका फंक्शन। और साथ ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सबस्ट्रेट जो कि है स्टार्च। स्टार्च के बारे में अगर आप याद करें तो इसके दो मेन पॉलीसेकेराइड कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक तो है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टीन। 15-20% आपको देखने को मिलता है अमाइलोज एंड 80-85% अमाइलोपेक्टीन का जो कंसंट्रेशन होता है ये आपको देखने को मिलता है किसमें? स्टार्च में। और अगर पॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो ये एक पॉलीसेकेराइड और स्टार्च की अगर बात की जाए तो ये एक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक सूटेबल एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंट में डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है एंड देन लैटर ऑन मोनोसेकेराइड में। कुछ इसी तरह से डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलेस्ट का फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। और यहाँ जो होता है एंजाइम का रोल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सो आपको बहुत सारा क्लू मिल जाता है। सबसे इजी क्लू रहता है आपका इस कंपोनेंट से पहचानने का कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टीन है तो यहाँ जो एंजाइम काम करता है वो है अमाइलेज। तो जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट में, दैट इज अमाइलेज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए अमाइलेज। बाकी ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि टॉप 20 क्वेश्चंस है और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। सो एक प्रॉपर नोट्स आप बना पाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप हर एक ऑप्शंस को डेप्थ में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें प्रोटीएज, तो इसका रोल देखने को मिलता है मीट टेंडराइजेशन में और साथ ही साथ इसका रोल देखने को मिलता है हमें न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन को इन्हांस करने में।
अब अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो कि हम लोग एंजाइम्स के क्लास में पढ़े थे, अमाइलेज, प्रोटीज या फिर कोई भी एंजाइम है उसका सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ एंजाइम. तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि बैक्टीरिया में बैसिलस स्पीसीज का जो रहता है अमाइलो लिक्विफेशियंस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीज एज वेल अमाइलेज एज वेल. सो ये रहा प्रोटीएज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेस एंजाइम का. इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ये एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज़फुल होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज़फुल होता है. सो ये काम करता क्या है, इसका काम होता है ग्लूटेन को ग्लूटेन का ऑक्सीडेशन करना और वीक डो को स्ट्रॉन्ग करना, यानी डो मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस एंजाइम का रोल देखने को मिलता है. सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चंस के ऑप्शन समझ में आए होंगे. कार्बोक्सिलेज रहा एक एंजाइम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी सबस्ट्रेट से जो न्यू प्रोडक्ट बनता है इसमें जो भी आपके आइसोमराइजेशन होते हैं, न्यू कंपाउंड्स, न्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस होते हैं, उसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम का रोल हमें देखने को मिलता है. नाउ विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, that is which of the following dairy products is a good source of probiotics. probiotics or prebiotics, दो term आता है. पहले options हम लोग देखते हैं. options है butter, cheddar cheese, greek yogurt and ice cream. so आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या probiotics का good source क्या होता है. so सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दो term आता है सामने, probiotics एंड प्रीबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स को हम लोग बोलते हैं लाइव माइक्रोब्स, लाइव माइक्रोब्स विच इज प्रेजेंट इन सर्टेन फूड लाइक योगर्ट, चीज, कैफीर एक्सेट्रा, ये सभी डेयरी प्रोडक्ट्स है. और प्रीबायोटिक्स है फूड फॉर द लाइव माइक्रोब्स, फूड फॉर द लाइव माइक्रोब्स. प्रोबायोटिक्स का क्या मतलब हुआ, लाइव माइक्रोब्स, और प्रीबायोटिक्स इसी लाइव माइक्रोब्स का क्या होता है, फूड होता है, जो कि एक अनडाइजेस्टिबल फाइबर होता है, अनडाइजेस्टिबल फाइबर, यानी फाइबर कंटेनिंग फूड. इन शॉर्ट हम लोग अगर समझे तो फाइबर कंटेनिंग फूड इज द गुड फूड फॉर और इज द गुड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्रोबायोटिक्स, दैट इज लाइव माइक्रोब्स. और किस किस फूड में ये पाया जाता है, तो मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट, चीज़, कफीर एक्सेट्रा में पाया जाता है. और लाइव माइक्रोब्स का अगर हम एग्जांपल का बात कर ले तो जैसे लाइव माइक्रोब्स आपको जो एग्जांपल है दैट इज लैक्टोबैसिलस, पॉपुलर है ये चीज़, हम लोग सभी जानते हैं कि कर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स में ये माइक्रोब काफ़ी एसेंशियल होता है बिकॉज हमारे बॉडी में गुड माइक्रोब्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है. और इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का, इसीलिए हमारे डाइट में जो है वो प्रोबायोटिक्स शामिल करना चाहिए, प्रीबायोटिक्स भी शामिल होना चाहिए. सो क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, सो वी विल आंसर अकॉर्डिंग टू दैट. तो बटर, चेडो चीज़, ग्रीक योगर्ट एंड आइसक्रीम में सबसे बेहतर सोर्स होता है प्रोबायोटिक्स का योगर्ट. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आंसर इज सी, ग्रीक योगर्ट. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following food groups provide the best source of energy? Nutrition की chapter में हम लोग जो पढ़ते हैं 5 food groups, nutrition से ये question आया है, जो 5 food groups हम लोग पढ़ते हैं, source of protein, source of
सोर्स ऑफ प्रोटीन में आपको देखने को मिलता है जैसे फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स. एनर्जी गिविंग फूड जो रहता है आपका, एनर्जी गिविंग फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, गुड फैट्स. साथ ही आपका प्रोटेक्टिव फूड, एज अ प्रोटेक्टिव फूड हम लोग बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स को. विटामिन्स एंड मिनरल्स का क्या काम होता है, आपको प्रोटेक्शन देना, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करना, इसीलिए हम लोग इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो होता है वो आपका प्रोटेक्टिव फूड के अंडर में आता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सो यहाँ आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो लेट्स सी द ऑप्शन नाउ. मिल्क एंड चीज़, मिल्क एंड चीज़ जो आएगा आपका प्रोटीन की कैटेगरी में आपको इसको देखने को मिलेगा. दिस वन इज़ आल्सो फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स. फैट्स, गुड फैट जो होता है वो होता है एनर्जी गिविंग फूड, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द गुड फैट्स और नॉट. नाउ लास्ट ऑप्शन इज ब्रेड एंड सेरल्स, दैट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो वी विल कंसिडर दिस ग्रुप एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इसमें दोनों ही जो मेंशन है दे आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड वी ऑल नो दैट कार्बोहाइड्रेट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो बेस्ट सूटेड ऑप्शन जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी. फोर्थ क्वेश्चन, द मेजर अमीनो एसिड प्रेजेंट इन टी लीव्स. टी लीव्स मतलब चाय की पत्ती में कौन से मेजर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शंस आर वैलिन, थियानीन, ल्यूसीन, फिनाइल एलिनीन. सो टी लीव्स में हमें देखने को मिलते हैं कुछ अमीनो एसिड जैसे एल-थियानीन, फिनाइल एलिनीन, ल्यूसीन एंड वैलिन. यहाँ ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल रहा है जो भी अमीनो एसिड वो टी लीव्स में प्रेजेंट ज़रूर होता है, बट यहाँ एक चीज़ मेंशन किया हुआ है मेजर अमीनो एसिड, और इन चारों अमीनो एसिड में से सबसे ज़्यादा रहता है ये अप्रॉक्सीमेटली 60% जो कंट्रीब्यूट करता है अमीनो एसिड, वो है एल-थियानीन. ये है स्ट्रक्चर एल-थियानीन का, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर जाता है थियानीन, बी ऑप्शन. एल-थियानीन के बारे में यहाँ कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं. एन अमीनो एसिड दैट फाउंड इन ग्रीन टी लीव्स एंड सम फंगल स्पीसीज, नोन फॉर इट्स नेचुरल स्ट्रेस रिडक्शन इफेक्ट्स एंड एनजाइटी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, नेचुरल मूड इन्हांसर फाउंड इन मेनी सप्लीमेंट्स. सो इसीलिए बहुत टी जो है बहुत फेमस होता है, कभी भी कोई स्ट्रेस में होता है या फिर कोई काम में लाइक एनर्जी नहीं मिल रहा होता है, नींद आ रहा होता है, सो वी थॉट अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस अमीनो एसिड इट रिलीज योर इट रिलीव यू, इट गिव्स यू अ स्ट्रेस रिडक्शन इफेक्ट एंड गिव्स यू द प्रॉपर एनर्जी टू डू द वर्क एट द सेम मोमेंट, राइट. सो मेजर अमीनो एसिड जो टी लीव में प्रेजेंट है वो क्या है, एल-थियानीन. Now we'll move to the next question, that is question number 5. Which of the following is non-climatic type of fruit? Options are pineapple, lychee, grape, all of the above. देखो दो तरह का फ्रूट यहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट, एक है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट. क्लाइमेट्रिक फूड का क्या अर्थ होता है, सिंपल सा भाषा में अगर कहे कि जो फल को पेड़ से तोड़ लेने के बाद भी पकाना संभव है वो आएगा हमारा क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के अंदर, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो है जिसको पेड़ से अगर आप कच्चे अवस्था में तोड़ ले तो उसको पकाना संभव नहीं हो पाता है. यहाँ पर फल को कच्चे अवस्था में तोड़ने के बाद भी पकाना इसलिए संभव होता है क्योंकि हम लोग यहाँ इथाइलीन हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज़ करता है. और इन फलों में अगर हम लोग रॉ
सिचुएशन में इसको हार्वेस्ट कर ले रहे हैं. सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो काफ़ी कम होता है एंड जो ये है वो राइपन नहीं हो पाता. सो इन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कैटेगरी में जो भी फ्रूट्स आते हैं वो है ग्रेप्स, पाइनएप्पल, लीची एक्सेट्रा. एंड क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के अंदर आपके मिलते हैं एवोकाडो, एप्पल, बनाना एक्सेट्रा. अभी हमें नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के बारे में पूछा गया है. सो पाइनएप्पल, यस इट इज नॉन क्लाइमेट्रिक. लीची इज ऑल्सो नॉन क्लाइमेट्रिक. ग्रेप इज ऑल्सो नॉन क्लाइमेट्रिक. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. एंड abnormal immune response to food is called food allergy, sepsis, food fusion, and the last option is inflammation. So food allergy की अगर हम लोग definition समझे तो food allergy क्या होता है? When the body's immune system react unusually to specific food. जैसे मान लो कोई भी specific एक food है, इसको कंज्यूम करने के बाद हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी इम्यून सिस्टम कुछ एबनॉर्मल फंक्शन करने लगता है. लाइक सडन आप उस फूड को कंज्यूम करेंगे और आपका जो बॉडी है वो अबनॉर्मली रिएक्ट करेगा. आपको स्नीजिंग होगी या फिर आपको आपके टंग में इचिनेस फील होगा. बहुत सारे लोगों को फ्रूट जूसेस से एलर्जी होता है, किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होता है. सो इन सिचुएशन में एट द सेम टाइम जैसे ही आप उस फूड को कंज्यूम करेंगे, यू विल सी द अबनॉर्मल चेंजेस इन योर बॉडी. दैट सिंपली सेज अबाउट फूड एलर्जी. सेप्सिस का अगर हम लोग मतलब समझे तो इट इज़ अ सीरियस कंडीशन इन विच the body responds improperly to an infection. So iska jo relation hai wo aapke body mein infection se related hai. So yahan to abnormal immune response to food se koi iska relation nahi hota hai. So ye option nahi ja raha hai is question ke sath. Food fusion ka agar hum log samjhe to simply food combination isko hum log samajh sakte hain. जैसे होता है आपका कुछ रीजनल फूड्स होते हैं और उसको किसी दूसरे रीजनल फूड्स के साथ कंबाइन किया जाता है एंड फ्यूजन के थ्रू एक नया फूड प्रोडक्ट बनाया जाता है. जैसे कुछ ट्रेडिशनल डिशेस होते हैं उसमें मॉडर्न कुछ फूड टेक्निक्स अप्लाई करके हम एक नया डिश प्रिपेयर करते हैं. दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर द फूड फ्यूजन. जैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ट्रेडिशनैलिटी एंड मॉडर्निटी को कंबाइन कर रहा होता है कुछ, उसको हम लोग एज अ फूड फ्यूजन कह रहे होते हैं. इन्फ्लेमेशन जो है वो भी आपका जो बॉडी में इन्फेक्शन के कारण कभी रेडनेस या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उसके कारण आपकी बॉडी में कोई स्वेलिंग आ रहा हो या फिर आपके बॉडी में कोई रेडनेस अपीयर हो रहा हो या फिर पेन हो, सो इन सब सिचुएशन को हम लोग समझते हैं इन्फ्लेमेशन से. बट यहाँ क्वेश्चन हमारा पूछा था अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टुवर्ड्स फूड. सो हमारा आंसर जाएगा फूड एलर्जी. आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर होगा. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. टर्मरिक इज अ ट्यूबर राइजोम मॉडिफाइड रूट एंड स्टेम. सो यू कैन लुक एट दिस इमेज वेर it is very much clear to you that turmeric is a rhizome. So hamara question number 7 ka kya answer ho raha hai? Option number B, that is rhizome. Which of the following is an example of food adulteration? Food adulteration ka kya matlab hota hai? Adulterants ko add karna, adulterants को फूड में ऐड करना, या तो इंटेंशनली ऐड करना फूड मार्जिन बढ़ाने के लिए, या फिर ये कंटामिनेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से जो फूड में आता है उस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं फूड जो है वो एडल्ट्रेटेड है. अब एडल्ट्रेशन का मतलब होता है या तो आप फूड में से जो उसका मेन इन्ग्रीडियंट है उसका क्वान्टिटी को आप कम कर रहे हैं बाय रिप्लेसिंग इट विद द चीपर सब्सटेंस, या फिर आप जो है उसके
मेन इंग्रेडिएंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं बाय एडिंग सम वाटर, सम एक्स्ट्रा वाटर टू इट. सो इस सब सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि वो जो है फूड वो एडल्ट्रेटेड फूड है. अब यहाँ ऑप्शंस रीड करते हैं और समझते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर. फर्स्ट ऑप्शन इज एडिंग मोर विटामिन टू अ फोर्टिफाइड सेरल्स. सो फोर्टिफिकेशन का अर्थ क्या समझे थे हम लोग कि फोर्टिफिकेशन मतलब होता है कि स्टेपल फूड में विटामिन एंड मिनरल्स का एड ऑन करना और उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिच फूड बनाना. तो ये जो है हमारा ये एडल्ट्रेंट तो नहीं हो सकता है बिकॉज विटामिन्स अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो आपको कोई नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट नहीं देगा. और एडल्ट्रेंट का क्या होता है, ये क्या करता है, ये नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट कॉज करता है कंज्यूमर को. इसीलिए जो है हम लोग को एडल्ट्रेंट नहीं मिलाना चाहिए या उस फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो डाइल्यूटिंग हनी विथ वाटर. यहाँ जो हो रहा है आपका हनी जो है एक प्योर सब्सटेंस माना जाता है, तो इसमें अगर हम वाटर मिला रहे हैं यानी हम लोग उसके जो प्योर ऑथेंटिसिटी है उस प्रोडक्ट की उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं. सो एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता ही है कि अगर आप जो है वो जो ऑथेंटिक कंटेंट है फूड का उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, उसके न्यूट्रिएंट को समहाउ बाय एडिशन ऑफ वाटर आप रिड्यूस कर रहे हो. सो दैट कम्स अंडर द एडल्ट्रेशन. नाउ और ऑप्शंस की अगर बात करें तो एडिंग एक्स्ट्रा शुगर टू अ बेवरेज. एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने से नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट जैसे एडल्ट्रेंट के केस में होता है वैसा तो देखने को नहीं मिलेगा. हाई शुगर रिच फूड कंज्यूम करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट दैट डोंट कम अंडर दी एडल्ट्रेशन. इंक्रीजिंग दी फाइबर कंटेंट इन ब्रेड, इट इज़ अ गुड थिंग. फाइबर कंटेंट अगर आप ऐड कर रहे हो ज़्यादा सो इट विल इम्प्रूव योर हेल्थ, इट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ, बट इट वॉन्ट गिव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट टू योर हेल्थ. सो इस चारों ऑप्शन में जो सूटेबल जा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. डाइल्यूटिंग हनी विथ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड एडल्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 9. रैंसिड फ्लेवर इन मिल्क इज प्राइमरीली ड्यू टू. रैंसिड फ्लेवर का क्या मतलब होता है? रैंसिड फ्लेवर का मतलब है कि अनडिजायरेबल अरोमा. इसकी जो स्मेल है उसमें नेगेटिविटी रहती है, मतलब इसका जो ओरिजिनल स्मेल होना चाहिए मिल्क का वो नहीं आता, एक अनडिजायरेबल स्मेल मिलता है. एक बिटर टेस्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है इसमें. एंड दैट इज़ कॉज ड्यू टू द लिपोलाइसिस, जिसका मतलब होता है कि जो फैट्स है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं. तो मीडियम चेन फैटी एसिड शॉर्ट चेन फैटी एसिड में जो ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट, मेनली जो ब्यूटायरिक एसिड होता है उसके कारण जो है रैंसिड फ्लेवर मिल्क में डेवलप होता है. सो ऑप्शंस थे कैप्रोइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड. Now we'll move to question number 10, that is which sugar is present in fruits. फ्रूट्स की बात की जा रही है यहाँ पर, कौन सा शुगर पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है. ऑप्शन नंबर ए फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज. सो यहाँ पर देखो फ्रूट्स में जो पाया जाता है दैट इज़ फ्रक्टोज. सो विच शुगर इज़ प्रेजेंट इन फूड, दैट इज़ फ्रक्टोज. नाउ ये चारों में से कौन है मोनोसेकेराइड और कौन है डाइसेकेराइड, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अपना आंसर्स. फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड, गैलेक्टोज डायसेकेराइड और मोनोसेकेराइड. इस तरह से आप हर एक ऑप्शंस को लिखकर उसके साइड में आप लिखेंगे इज इट अ मोनोसेकेराइड और इज इट अ डायसेकेराइड, राइट, एंड यू विल आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन. रिफ्रैक्टोमीटर यहाँ हम देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. फर्स्ट इज मिनरल्स, सेकेंड इज एसिडिटी,
थर्ड ऑप्शन इज TSS, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड. एंड द लास्ट इज विटामिन्स. सो रिफ्रैक्टोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको देखकर भी पता चल रहा होगा कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं टोटल सॉल्यूबल सॉलिड TSS मेज़र करने के लिए. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. Which process involves separating the fat from milk to create a lower fat dairy product? First option, fortification, second condensation, third fermentation and fourth is skimming. क्या बात किया जा रहा है यहाँ पर कि milk से fat को separate करना, फैट को क्या कर देना, separate कर देना, और जिससे कि हम लोग क्या कर सके, लोअर फैट डेयरी प्रोडक्ट बना सके. फोर्टिफिकेशन का अर्थ तो आपको मालूम होगा कि एडिंग विटामिंस एंड मिनरल्स टू स्टेपल फूड. कंडेंसेशन का मतलब जैसे इवापोरेशन में वाटर से गैशियस स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड से गैशियस स्टेट में चेंज होना, एंड देन अगेन गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन. फर्मेंटेशन जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कर चुके हैं. सो अब लास्ट ऑप्शन है स्कीमिंग. सो स्कीमिंग का मतलब होता है कि फैट जो है सेपरेट करना मिल्क से, इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं एज अ स्कीमिंग. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्कीमिंग. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. कर्क्यूमिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टर्मरिक, कैप्सिकम, क्यूक्यूम्बर एंड कैशोनट. कर्क्यूमिन को हम लोग इन चारों में से किस में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी इज टर्मरिक प्लांट, इसमें से हम लोग टर्मरिक राइजोम्स यहाँ देख सक रहे हैं, और क्वेश्चन भी हम लोग के पास आया था टर्मरिक इज अ राइजोम और ट्यूबर और व्हाट, तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि टर्मरिक इज अ राइजोम. और यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कर्क्यूमिनोइड्स विच वी कॉल एज अ कर्क्यूमिन, डाइमिथॉक्सी कर्क्यूमिन एंड बिस डाइमिथॉक्सी कर्क्यूमिन. सो टर्मरिक इज अ प्लांट फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट कर्क्यूमिन. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टर्मरिक. Now we'll move to question number 14. Mineral responsible for proper nerve functioning is sodium, potassium, calcium and magnesium. इन चारों में से कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग. सोडियम एंड पोटाशियम के बारे में बात करें तो ये फ्लूइड बैलेंस को बॉडी में रेगुलेट करता है. कैल्शियम के बारे में बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी बोन्स, एंड मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम. Question number 15. The vitamin usually added to milk for the purpose of fortification. As I have told so many times that purpose kya hai fortification ka, ki staple food mein vitamins ko add karna. Taki vitamin se hone wali jo deficiency diseases hai, उसको क्या किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, इसीलिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है, यही इसका मेन पर्पस है. तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क में क्या यूज किया जाता है. सो मिल्क में आपका दो विटामिन यूज किया जाता है, विटामिन ए एंड विटामिन डी. ऑयल में भी आपका विटामिन ए एंड विटामिन डी
यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फोर्टिफिकेशन. सो ऑप्शंस रीड करते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी एंड विटामिन ई. सो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, विटामिन ए एंड विटामिन डी. सो आप दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, इट विल बी योर राइट आंसर. नाउ विल मूव टू द 16 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन कोला ड्रिंक. कोला ड्रिंक यानी यहाँ पर जो आप इस कैन में देख पा रहे हैं, इस तरह की जो ड्रिंक होती है, कोका कोला ब्रांड की भी ड्रिंक आती है. सो कोका कोला बेसिकली यहाँ पर कोला लिखा हुआ है यहाँ. सो कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. टार्टारिक एसिड टर्मरिक में प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. फॉस्फोरिक एसिड जो है उसको हम लोग देखते हैं वो कोला ड्रिंक में पाया जाता है. फॉस्फोरिक एसिड के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन है. सोडा कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड विच इंटरफेयर्स विद द बॉडीज एबिलिटी टू अब्सॉर्ब कैल्शियम एंड कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, कैविटीज एंड बोन सॉफ्टनिंग. Phosphoric acid also interacts with stomach acid, slowing digestion and blocking nutrient absorption. I think ये point पढ़ के आपको ये पता चल रहा होगा कि आपको इस तरह के drink consume करने चाहिए या नहीं. Is it good for your health or is it bad for your health? The decision is yours. So हमें लगता है कि हमें हमेशा जो है वो सेफ फूड कंज्यूम करना चाहिए, हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए. सो इन फूड को अगर आप रिप्लेस कर दो कुछ हेल्दी फूड से, सो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट टू योर हेल्थ. सो द डिसीजन इज योर्स कि आप इस फूड को कंज्यूम करेंगे या फिर इसको रिप्लेस करके कुछ हेल्दियर फूड के साइड में कन्वर्जन लेंगे. एंड यस, मैलिक फूड किस फूड में प्रेजेंट होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना. नाउ विल मूव टू द 17 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल? LDL, HDL, VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड. HDL का मतलब, LDL का मतलब लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल. और HDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, यही दो इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे चैप्टर में पढ़ने का. इसके दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज ये क्या करता है, इट रिमूव्स अदर फॉर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर बॉडी एंड इट लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एज वेल. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल. लोअर द हार्ट डिजीज रिस्क एंड ऑल्सो रिमूव अदर फॉर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. This is the reason why we called HDL as a good cholesterol. So the right answer of this question is option number B, HDL. Question number 18. BMR stands for, आपको वहाँ full form पूछा जा रहा है, BMR का full form क्या है? B, M and R. ऑप्शन नंबर ए बॉडी मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन नंबर बी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन नंबर डी बॉडी मास रेशियो एंड ऑप्शन नंबर डी बॉडी मेजरमेंट रेट. ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, न्यूट्रिशन फूड न्यूट्रिशन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है. बॉडी मेटाबॉलिक रेट ऑप्शन जो है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट तक तो सही है बट यहाँ बॉडी नहीं होगा, यहाँ होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट. इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होता है क्वेश्चन 18 का. BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. केमिकल नेम ऑफ विटामिन एच इज, विटामिन एच का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड बायोटीन.
आर जेपीएससी का जो पेपर नंबर 1 जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसके क्लास 1 में ये विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जहां मैंने आपको सभी के केमिकल नेम्स बताए हुए थे। सो अगर आपने वो वीडियो देखा है सो आई थिंक आपको ये आंसर काफ़ी ईजी होगा देना। विटामिन एच का जो केमिकल नेम होता है वो है बायोटीन। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का, एंड टोकोफेरॉल जो है केमिकल नेम दैट इज़ विटामिन ई, और ये है विटामिन एच का बायोटीन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बायोटीन। Now we'll move to the last question of today's session, that is question number 20. And with this one is a very important question. How many food groups are in the food pyramid? देखो ये जो फूड ग्रुप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये ओल्ड फूड ग्रुप को कंसिडर किया है, और ये है हमारा न्यू फूड ग्रुप जिसमें जो आया था आपका 10th May 2024 को ICMR NIN ने दिया। 10th May 2024 को ICMR NIN के तरफ से हमें न्यू फूड ग्रुप्स मिले हैं जिसमें 10 टोटल फूड ग्रुप्स है। बट क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखो तो 3, 5, 7, 9 है, 10 तो है ही नहीं मेंशन, इसीलिए ये क्वेश्चन ओल्ड फूड पिरामिड या फूड ग्रुप को ही कंसिडर करेगा, जो कि था 5। कितना था? 5 था, लेकिन अभी आपको याद रखना है ये 5 से चेंज होकर के 10 हो गया है, और ये 10th May 2024 को ही इसका अपडेट मिला है। ICMR NIN ने हमें ये बताया है कि नाउ दिस इज चेंज फ्रॉम 5 फूड ग्रुप्स टू 10 फूड ग्रुप्स। सो इस क्वेश्चन को हम लोगों को प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग आंसर करना है, इसीलिए आंसर हम क्या करेंगे, 5। अभी क्योंकि 10 फूड ग्रुप्स है तो मैं आपको एक बार इसका बता देती हूँ कि 10 फूड ग्रुप्स क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट जो फूड ग्रुप आता है वो आता है आपका सेरल्स एंड मिलेट्स का, सेकंड आता है आपका पल्सेस का, थर्ड वेजिटेबल्स, फोर्थ आता है नट्स ऑयल सीड्स या फिर ऑयल्स एंड फैट्स का, फिफ्थ आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिक्स्थ है फ्रूट्स सीजनल फ्रूट्स, सेवन्थ इज डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, 8th वन इज़ रूट्स एंड ट्यूबर्स, 9th वन इज़ फ्लैश फूड, मराइन फिश पोल्ट्री एक्सेट्रा ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, एंड द लास्ट इज स्पाइसेस एंड हर्ब्स। सो ये है आपके जो अपडेटेड जो हमारे पास 10 फूड ग्रुप्स है उसका फूड ग्रुप लिस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट जानना, मैं इस लैटर ऑन एक कम्प्लीट डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना दूंगी 10 फूड ग्रुप्स और जो भी 17 फूड गाइडलाइंस हमें मिले हुए हैं इस पर। सो आई होप आज के आपका 20 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, एक नए क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज के साथ। तब तक थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।